एक महीने से ज्यादा वक्त से जारी जंग के बीच अब रूस का प्लान यूक्रेन के तेल भंडार को खत्म करने का लग रहा है। इसीलिए खार्किव, जतोमर और कीव में तेल डिपो पर हमलों के बाद अब रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से के शहरों पर धावा बोल दिया। रूसी सेना ने लवीव में मिसाइलों से ताबड़तोड़ कई हमले किए, जिनमें एक मिसाइल ने वहां एक बड़े तेल डिपो को निशाना बनाया। मिसाइल के हमले से वहां भीषण आग लग गई। ऊंची लपटों ने पूरे तेल डिपो को अपनी चपेट में ले लिया। जले हुए तेल से निकला धुआं शहर के दूसरे हिस्सों की ओर बढ़ता दिखाई दिया। रूस के हमले के बाद तेल डिपो में लगी आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों की एक बड़ी टीम जुट गई। आग बुझाने के लिए पानी की तेज धार छोड़ी गई, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो और भड़कती गई। घंटों की कोशिश के बाद भी तेल डिपो में लगी आग को बुझाया नहीं जा सका। बताया गया कि वहां हुए हमले में 5 लोग घायल हो गए। रूस ने लवीव पर यह हमला शनिवार को किया, जिसकी तबाही का वीडियो 2 दिन बाद सामने आया। और ऐसी ही तबाही शहर के कई हिस्सों में भी मची, जहां रूस की तरफ से छोड़ी गई मिसाइलों ने सब कुछ नेस्तनाबूद कर दिया। क्योंकि कुछ ही मिनटों के अंदर रूस ने एक के बाद एक कई मिसाइलें शहर पर बरसा दी। लवीव पर रूस के इस ताबड़तोड़ हमले ने सभी को चौंका दिया। असल में रूसी सेना अब तक यूक्रेन के पूर्व के शहरों को निशाना बना रही थी, लेकिन अब उसने यूक्रेन के पश्चिम के शहर पर भी धावा बोल दिया। पोलैंड की सीमा के पास बसा यह शहर अब तक भीषण हमलों से बचा हुआ था, लेकिन रूस ने इस शहर को ठीक उसी दिन निशाना बनाया जब अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन पोलैंड में मौजूद थे। तभी रूस ने लवीव में तेल डिपो के अलावा लड़ाकू विमानों की मरम्मत करने वाली एक वर्कशॉप और यूक्रेन की सेना के हथियारों के गोदाम को भी मिसाइल से उड़ा दिया। लेकिन रूस का सबसे बड़ा हमला तेल डिपो पर हुआ, जिसने उसे पूरी तरह खत्म कर दिया। बताया गया कि रूसी सेना एक सोची समझी रणनीति के तहत एक के बाद एक तेल डिपो को तबाह कर रही, और ऐसा करके वो यूक्रेन की सेना को तेल की एक एक बूंद के लिए तरसाना चाहती है। क्योंकि तेल ही नहीं रहेगा तो यूक्रेन की सेना के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, लड़ाकू विमान सब खड़े के खड़े रह जाएंगे। यही वजह है कि रूस अपनी मिसाइलों से यूक्रेन के उन शहरों पर ज्यादा हमले कर रहा है जहां तेल के भंडार बनाए गए हैं। लवीव पर हमले के तुरंत बाद ही रूस की मिसाइलों ने लुत्स्क शहर में बने एक बड़े तेल डिपो को भी तबाह कर दिया। आई तस्वीरों में तेल डिपो पूरी तरह आग की लपटों में घिरा नजर आया, जिसके बाद यूक्रेन इमरजेंसी सर्विस की एक टीम वहां पहुंची, जिसने वहां लगी भीषण आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी। पाइपों की मदद से आग के ऊपर पानी की बौछारें छोड़ी गईं। कई दमकल कर्मी एक साथ मिलकर तेल डिपो में लगी आग बुझाने में जुट गए, लेकिन बुझने की जगह वो और बढ़ती गई। कई घंटों तक आग को बुझाने की कोशिश जारी रही। दिन के वक्त तेल डिपो में लगी आग रात होने तक धधकती रही। हालांकि कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझाया जा सका, लेकिन तब तक उसने एक बड़े इलाके को राख के ढेर में बदल दिया। उधर रूसी सेना ने कीव पर इस्कंदर मिसाइल सिस्टम से हमले तेज कर दिए, जिसका एक वीडियो भी रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया, जिसमें मिसाइल से हुए धमाके की वजह से वहां आग का एक बड़ा गोला उठता दिखाई दिया। ये धमाका इतना भयानक था कि उसे देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई ज्वालामुखी फटा हो, और धमाके के असर से आसपास की जमीन इस तरह हिल उठी जैसे सुनामी के वक्त समुन्द्र में लहरें उठती हैं। यही नहीं, काफी देर तक वहां से धधकते हुए शोले आसमान की तरफ उठते दिखाई दिए, और इसके बाद धुएं का डरावना गुबार फैल गया। रूसी सेना ने इस्कंदर मिसाइल सिस्टम से किए इस हमले में यूक्रेन के एक एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त करने का दावा किया। वहीं रूस ने राजधानी कीव में यूक्रेन की सेना की कुछ गाड़ियों पर स्ट्राइक कर दी। ये हमला रूस की फौज ने आसमान से किया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें साफ दिखा कि रूस ने कीव की सड़कों पर खड़ी यूक्रेन की फौज की 2 गाड़ियों को बम से उड़ा दिया। इस हमले के लिए रूस की सेना ने आसमान से अपने शिकार को सटीक निशाने पर लिया। यूक्रेन की सेना की 2 गाड़ियों के टारगेट पर आने के बाद रूस ने अपनी रणनीति को असलियत में उतारा और उन पर बम बरसा दिए। इस हमले के फौरन बाद यूक्रेन की फौज की उन दोनों गाड़ियों में आग लग गई और उनके आसपास मौजूद चीजें भी तबाह हो गई। और रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव में घुसने का दावा किया। जंग शुरू होने के बाद से ही रूस कीव पर कब्जे की कोशिश में जुटा है, और अब उसने शहर में घुसने का एक वीडियो जारी किया, जिसमें रूसी सेना कीव के एक हिस्से में तेजी से दाखिल होती दिखी। रूस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया, उसमें टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां एक नदी पर सेना के बनाए पुल से गुजरती नजर आईं। नदी पार करने के बाद रूसी सेना तेजी से आगे बढ़ने लगी। इस दौरान कई बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक सड़क के किनारे खड़े दिखाई दिए, जिन पर अंग्रेजी का वी अक्षर लिखा था। यही नहीं, रूस की सेना ने कीव में घुसने के बाद वहां के एक इलाके में रडार भी लगा दिया,
ताकि दुश्मन की मिसाइलों का वक्त रहते पता लगाया जा सके। वीडियो के आखिरी हिस्से में रूसी सेना की तरफ से दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए मिसाइल तक दागी गई और तो और आसमान से दुश्मनों की टोह लेने के लिए वहां ड्रोन भी तैनात दिखे। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने लगातार कई हमले कर उनके शहरों को पूरी तरह तबाह कर दिया है, जिसका एक वीडियो बुचा से सामने आया, जिसके जरिए यूक्रेन ने रूस पर नरसंहार का आरोप भी लगाया। यूक्रेन की तरफ से जारी किए वीडियो में पूरा शहर शमशान की तरह नजर आया। हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दी, कहीं गाड़ियां जलती दिखी तो कहीं घरों की शक्ल बदल गई। वहां एक बिल्डिंग का तो एक भी कांच सही सलामत नहीं बचा। शहर की सड़कों पर गाड़ियों की जगह सेना के टैंकों ने ले लिए और कई इलाकों में आग के शोले धधकते दिखे, जिसके बाद अपनी जान बचाने के लिए लोग वहां से पैदल ही निकल पड़े। हालात इतने बुरे थे कि वहां एम्बुलेंस तक नहीं आ सकी, जिसके बाद घायलों को उनके साथी उठाकर अस्पताल तक ले गए। उधर यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच रूस ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। इसके लिए रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें जंग में इस्तेमाल होने वाले हथियारों और दूसरी मशीनों की ताकत को रूस ने दिखाया। वीडियो में एक ऐसा रडार भी दिखाया गया जो सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में विमान की सीमा और उसकी उड़ान की ऊंचाई तय करने में अहम भूमिका निभाता है। वीडियो में इस रडार के अलावा रूस की फौज का एक ट्रक दिखा जिस पर उसका झंडा लगा था। रूसी सेना का एक टैंक भी इसमें शामिल रहा जो दुश्मन पर दागने के लिए कई मिसाइलें लाता नजर आया। रूस ने ये कदम दुश्मन को ये दिखाने के लिए उठाया कि वो उसके घर में घुसकर किस हद तक तबाही मचा सकता है। ब्रिटेन ने दावा किया कि रूस ने जंग के दौरान काला सागर में यूक्रेन के कई तटों को घेर लिया है, यानी एक तरह से इन पर अपना कब्जा जमा लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि समुद्री रास्तों के जरिए यूक्रेन का संपर्क दूसरे देशों से कट गया। इससे यूक्रेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बड़ी चोट पहुंची। ब्रिटेन की खुफिया रिपोर्ट में कहा गया कि अब वहां से जहाजों के आने जाने पर रूस की नजर है। यही नहीं, रूस की नौसेना ने इसी काला सागर से यूक्रेन पर हवाई हमले भी तेज कर दिए। वहीं रूस ने यूक्रेन की सेना के गोला बारूद और हथियारों से भरे एक गोदाम को तबाह कर दिया। रूसी फौज ने सबूत के तौर पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें रूसी लड़ाकू विमान सुखोई SU-25 आसमान से जमीन पर मिसाइल दागता नजर आया। इससे पहले यूक्रेन के ठिकाने पर हमले के लिए दिन ढलते ही रूस के लड़ाकू विमान ने हवा में उड़ान भरी और फिर रात में उसने यूक्रेन के हथियारों के एक गोदाम को निशाने पर ले लिया। रूसी पायलट ने हवा में ही टारगेट को लॉक किया और फिर उस पर मिसाइल छोड़ दी। पल भर में ही रूस की तरफ से दागी गई मिसाइल यूक्रेन के हथियारों के गोदाम तक पहुंच गई और उसके निशाने से टकराते ही वहां एक तेज धमाका हुआ। इसके बाद वहां आग और धुएं का एक गुबार छा गया। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के हथियारों के गोदाम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि वहां यूक्रेन की सेना ने हथियार और गोला बारूद का एक बड़ा भंडार जमा किया हुआ था।